हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितेश ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो कुछ थोड़ी अलग होने वाली है। ये कोई वर्कआउट वीडियो या डाइट प्लान वीडियो नहीं है। आपने टाइटल में जैसे पढ़ ही लिया होगा कि हाउ मच अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ, तो आज का जो टॉपिक है वो यही है। तो ये वीडियो लोगों के लिए होने वाली है जो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं या जिनको लिमिट नहीं पता कि कितनी ड्रिंक करनी चाहिए जिनसे उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब नहीं होगी। तो गाइस, आज के टाइम पे ड्रिंक करना एक ट्रेंड सा बन गया हुआ है। मैंने देखा है जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है ड्रिंकिंग के अंदर, जबकि उनको इस टाइम पे अपनी हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करना चाहिए, ना कि ड्रिंकिंग जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अगर आप ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, मतलब कि अगर आप कभी महीने में एक या दो बार किसी पार्टी में या किसी ओकेजन पर ड्रिंक करते हैं तो वो चलता है, क्योंकि हमारी बॉडी उससे टैकल कर लेती है। बट अगर आप डेली ड्रिंक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी को ख़राब कर देंगे। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो ड्रिंकिंग के एडिक्ट हो चुके हैं या जो ड्रिंकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो अगर हमें ड्रिंक करने भी, तो आप एक लिमिट में कीजिए, जो एक रिकमेंडेड लिमिट होती है, अगर आप उसमें करेंगे तो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। तो गाइस, अब बात करते हैं कि हमें कितनी अमाउंट में ड्रिंक करनी चाहिए, हमारी जो लिमिट है वो कितनी होती है। तो ड्रिंक्स दो टाइप की होती है, एक होती है हार्ड ड्रिंक, एक होती है लाइट ड्रिंक। तो हार्ड ड्रिंक वो ड्रिंक होती है जिसमें अल्कोहल क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, और लाइट ड्रिंक वो ड्रिंक्स होती है जिसमें अल्कोहल क्वान्टिटी कम होती है। तो हार्ड ड्रिंक्स में वो ड्रिंक्स आती है जैसे कि हमारी वहाँ स्कॉच होगी, हमारी विस्की होगी, रम होगी, जिन होगी, ये जो ड्रिंक्स हैं इनमें अल्कोहल क्वान्टिटी ज़्यादा होती है। और लाइट ड्रिंक्स में होती है हमारी वाइन और बियर, जिसमें अल्कोहल क्वान्टिटी इन सबसे कम होती है। तो गाइस, अब बात करते हैं लाइट ड्रिंक्स की। तो मतलब कि हमें लाइट ड्रिंक जो हमारी वाइन और बियर है वो हमें कितने अमाउंट में पीनी चाहिए अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है। तो वाइन एक फैक्ट है कि जो लोग एक लिमिटेड अमाउंट में वाइन ड्रिंक करते हैं ना, तो उनका जो हार्ट होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है उन लोगों से जो वाइन बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते हैं या फिर एक्सेसिव ड्रिंक करते हैं। अब इसका मतलब गाइस ये नहीं है कि आप लोग भी वाइन पीना शुरू कर दीजिए। तो हार्ट को हेल्दी रखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो बात करते हैं कि लिमिट क्या होनी चाहिए हमारी वाइन और ये बियर पीने की। आप डेली वाइन 120 ml तक कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ जी, तो 120 ml से ज़्यादा आप कंज्यूम ना कीजिए तो वो हार्मफुल ड्रिंकिंग में चला जाएगा। आपको हेल्दी ड्रिंकिंग करनी है। हेल्दी ड्रिंकिंग वही ड्रिंकिंग होती है जो आप लिमिट में करें। तो वाइन पीने की लिमिट है 120 ml और बियर पीने की लिमिट है 330 ml। ये लिमिट दोनों गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों है। आप वाइन 120 ml से ज़्यादा एक्सीड नहीं करिए और जो बियर है वो 330 ml से ज़्यादा एक्सीड ना करिए। तो गाइस, हम बात करते हैं हार्ड ड्रिंक्स के बारे में। हार्ड ड्रिंक्स वो ड्रिंक्स होती है जिसमें अल्कोहल क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट ड्रिंक्स। हार्ड ड्रिंक्स यानी कि जो हमारी स्कॉच, विस्की, रम या जिन जैसी ड्रिंक्स होगी। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जिसमें 40% अल्कोहल प्रेजेंट होता है, एक होता है जिसमें 50% अल्कोहल प्रेजेंट होता है। अब तो जिसमें 40% अल्कोहल प्रेजेंट होता है उसको हम 80 स्पिरिट प्रूफ भी कहते हैं और 50% वाली को हम 100 स्पिरिट प्रूफ कहते हैं। और इन दोनों ड्रिंक्स की जो है वो क्वांटिटी लेने की अलग अलग होती है। अब जब जिसमें 40% अल्कोहल प्रेजेंट होता है, हम जो उसके एक शॉट की क्वांटिटी है वो है 45 ml, और जो मेल्स है वो इसके दो शॉट ले सकते हैं डेली, यानी कि 90 ml, और जो फीमेल्स है वो सिर्फ एक शॉट। सिमिलरली, अब जो 50% अल्कोहल ड्रिंक है 100 स्पिरिट प्रूफ, उसकी एक शॉट की क्वांटिटी होती है 30 ml, और मेल्स उसके दो शॉट ले सकते हैं यानी कि 60 ml टोटल, और जो फीमेल्स है वो उसकी एक शॉट ले सकते हैं जो है 30 ml। तो गाइस, आपको मैंने ड्रिंक की लिमिट बता दी हुई है। अब जो गाइस एडिक्टेड ड्रिंक्स है या जो क्विट नहीं कर सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस लिमिट में ही पिया करेंगे, जो जिससे कि आपकी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी। बट पर्सनली मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं, अगर आपको कोई फिटनेस गोल है जैसे कि गेनिंग करना या शेडिंग करना, तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ड्रिंक दीजिए। हाँ, ओकेजनली आप ले सकते हैं, उतना तो चलता है। एंड डेट्स इट। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।